देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। आक्रामक अंदाज में बयान देने वाली राजस्थान कांग्रेस की नेता दिव्या मदेरणा आई अपनी ही पार्टी के नेता के निशाने पर। दिव्या मदेरणा ने एक मीडिया चैनल को दिया था इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में उन्होंने प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों को लेकर दिया है बेबाकी से जवाब। इंटरव्यू में दिव्या मदेरणा ने भंवरी देवी और उनके पिता से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। वहीं अब दिव्या मदेरणा के इस इंटरव्यू को लेकर गहलोत सरकार में राज्य मंत्री रहे कांग्रेस के नेता संदीप चौधरी ने साधा उन पर जबरदस्त निशान। इसके साथ ही उन्होंने पीसीसी चीफ टोटासरा से निवेदन किया कि दिव्या मदेरणा के बयानों पर रोक लगाई जाए। सोशल मीडिया पर हमला करते हुए संदीप चौधरी ने कहा, दिव्या मदेरणा जी आपको सबसे पहले दलित महिला भंवरी देवी जी के बच्चों व परिवार व समस्त दलित समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके पिता महिपाल मदेरणा ने भंवरी देवी जी से जो दलित समाज से थे उनका कई वर्षों तक ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया, फिर उसके रेप और हत्या के चलते जेल गए, जिसकी वजह से 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव राजस्थान के समस्त दलित समाज ने कांग्रेस का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की 21 सीट आई। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी ने आगे कहा कि राजस्थान की जनता के दर्द है कि किसानों के सबसे बड़े नेता आदरणीय परसाराम मदेरणा जी की आपके पिता जैसा बेटा हो, जिन पर छात्र जीवन में मर्डर का आरोप और मंत्री रहते दलित महिला से दुष्कर्म और हत्या की वजह से जेल जाना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में व फिर लोकसभा चुनाव 2014 में पूरे दलित समाज की नाराजगी के चलते बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से आग्रह करूंगा कि दिव्या मदेरणा जी जिस प्रकार से मीडिया में बयान देती है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि इस तरह के उनके बयानों से कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है।